अभिनंदन, आभार और बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों ज्योतिष विज्ञान के इस ऐतिहासिक चैनल पर। और मैं हूं आप सबका एस्ट्रो दोस्त रुपेन आर शाह। जितने भी कुछ हमारे दर्शक थे जो मैसेंजर के माध्यम से हम तक जुड़े हुए थे, वहां पे कुछ प्रॉब्लम आया है, पूरा स्टक हो गया था, तो कुछ हमारी कनेक्टिविटी नहीं हो पा रही है। तो आशा रखते हैं कि और कुछ रास्ता निकलेगा, संदेश पहुंचाना जरूरी था। अब पिछले दो दिनों से कई दर्शक ये भी पूछ रहे हैं कि भाई आप अचानक से ये यूरोप की तरफ क्यों मुड़ गए। अब जो समय का कालखंड शुरू हुआ है वहां पे मूवमेंट बहुत तेजी से होगा सर। फ्रांस में पिछले कुछ दिनों से दंगे हो रहे हैं, फ्रांस पूरा जल रहा है। दो वीडियोस हमने रशिया यूक्रेन के ऊपर डाले। पहले वीडियो में बताया कि भाई ये युद्ध का अंत क्या होगा, जेलेंस्की साहब का क्या होगा। उसके बाद वाले वीडियो में कहा, प्रिडिक्शन की गई कि वो पूरा सच, असली विलन कौन था इस युद्ध के पीछे, वो कांड किसने किया था, वो सच सामने आएगा। ये सच के सामने आने का समय है। उसके बाद आज दोपहर को एक प्रिडिक्शन की गई कि अब आने वाले समय में, जब 2022 में कहा गया था कि 2023 में जब शनिदेव कुंभ राशि में आएंगे, वहां से ढाई साल मतलब 23, 24 और 24 और 25 यूरोप के लिए बिल्कुल ठीक नहीं दिख रहे हैं। कई लोगों को वो थोड़ी सी अतिशयोक्ति लगी थी। आज दोपहर को भी ऐसी ही आउट ऑफ द बॉक्स एक लंबी प्रिडिक्शन रखी गई है कि अब 2025 तक यूरोप में क्या होगा। आज इस वीडियो में जल्दी से बात कर लेते हैं कि फ्रांस में जो दंगों वाली परिस्थितियां बनी है, ये क्या अब वहां की सरकार एक्शन में आ जाएगी, ये सब कंट्रोल में आ जाएगा, या फिर ये और भी भड़क सकता है। एस्ट्रोलॉजिकली इसके ऊपर बात करेंगे कि क्या ये फ्रांस के दंगे अब कंट्रोल में आने वाले हैं या फिर परिस्थितियां कुछ और बन सकती है। सीधी बात करेंगे, दिख तो नहीं रहा कि ये निकटवर्ती समय में समाप्त होंगे, बिल्कुल नहीं। ये लंबा चल सकता है। फ्रांस में पुलिस कह सकते हैं वहां की पुलिस ब्रूटल स्टेप्स लेगी, लीथल स्टेप्स लेगी, लेकिन फिर भी फ्रांस की जो पुलिस है वो शायद इसे कंट्रोल करने में थोड़ी सी नाकामयाब रहेगी, फेल रहेगी। तो फिर उसके ऊपर की जो फोर्स है, मिलिट्री कह सकते हैं या फिर जो सिक्योरिटी फोर्स वगैरह होती है हायर पावर की, उसे लाया जाएगा। और जैसे जैसे सरकार का ये सख्त रवैया होता जाएगा फ्रांस में, अब थोड़े से कुछ अलग प्रकार की भी हमें परिस्थितियां दिख रही है। सिर्फ जिस प्रकार से ये रायट शुरू हुए थे, वहां पे ये कहा जा रहा है कि वो बच्चे की मौत हुई और फिर शुरू हो गए लोग, लेकिन एस्ट्रोलॉजिकली हमें दिख रहा है कि ये खेल कुछ और भी हो सकता है, बहुत प्रबल संभावना है। कब तक चलेगा ये? कम से कम तीन चार हफ्ते तक, तो तीन हफ्तों तक तो हमें लगता है कि फ्रांस में अभी शांति बहाल होने में कम से कम लगेंगे। मतलब आप जुलाई के अंत भाग तक तो बात कर सकते हैं, तो मिनिमम जुलाई के अंत भाग तक, तीन हफ्ते अगर हम बात करें तो जुलाई का अंत आ जाएगा, तो अगस्त के मध्य भाग तक चांस फ्रांस में जो भी ये चीजें हुई है उसे कवर अप कर लिया जाएगा। अब दूसरा सवाल, दो चीजें और हो सकती है, क्योंकि जब इतने लंबे समय तक फ्रांस में हम कह रहे हैं कि दंगों वाली परिस्थितियां चलती रहेगी, यहां पे ये भी हो सकता है, हो सकता है कि इस समय मर्यादा में आ जाए या फिर उसके बाद, क्योंकि शनिदेव वक्री हुए हैं मूल त्रिकोण की राशि में, तो ये बहुत सारे हिडन सीक्रेट्स बाहर ला देंगे। तो ये जो कुछ भी होगा उसमें फ्रांस में कुछ बड़े हिडन सीक्रेट्स बाहर आ सकते हैं और उसके कारण बवाल बढ़ेगा। दंगों की बात हो रही थी, पुलिस कंट्रोल नहीं कर पाएगी, जो कुछ भी लग रहा है कि उसके बाद कुछ हायर अथॉरिटीज वाली मतलब सेना या उस प्रकार के सोल्जर्स आएंगे। मिनिमम तीन सप्ताह तक तो हमें नहीं लगता कि ये चीजें सॉर्ट आउट होगी,
तो जुलाई के अंत भाग से अगस्त के मध्य भाग के बीच में ये सब कुछ कंट्रोल में आ जाएगा। लेकिन ये जो समय अभी चल रहा है इसमें फ्रांस में कुछ हिडन सीक्रेट्स बाहर आ सकते हैं, बहुत प्रबल संभावना है। अब किस प्रकार के हिडन सीक्रेट्स हो सकता है कि वहाँ के एमैनुअल मैक्रॉन साहब हैं, चुनाव संबंधित कोई ऐसी जानकारी सामने आ जाए, कोई ऐसा सीक्रेट आएगा, नहीं पता, एक या एक से ज़्यादा सीक्रेट्स भी बाहर आ सकते हैं, बवाल और मचेगा। और ये जो जिस प्रकार से ये दंगे, जैसे मैंने कहा कि ये मुझे सिर्फ लोगों के इमोशंस वाली चीज़ें नहीं दिख रही है, ये एक बहुत सोची समझी प्लान साजिश हो सकती है और ये फ्रांस से बाहर भी जा सकती है साहब। फ्रांस के बाहर बहुत सारे देश इसमें आने वाले समय में 2-3 हफ्तों में आपको समाचार देखने को सुनने को मिलेंगे कि फ्रांस की ये आग बहुत सारे देशों में फैली है। फ्रांस के नेबरिंग कंट्रीज, सबसे पहले बेल्जियम हुआ, स्विट्जरलैंड हुआ, और कुछ भी देश हैं, और बहुत सारे देश और भी हो सकते हैं। तो जहाँ पे भी ये इस प्रकार की परिस्थितियाँ बनी हैं, जहाँ पे भी इमिग्रेंट्स ज़्यादा है, जहाँ पे भी इन देशों वाले इमिग्रेंट्स ज़्यादा है, जहाँ पे इस समुदाय के लोग ज़्यादा हैं, उन देशों में संभावनाएँ ज़्यादा बन सकती हैं। तो ये फ्रांस से बाहर जाता हुआ भी नजर आ रहा है। तो क्या ये सिर्फ एक लड़के की मौत के कारण पूरे यूरोप में इतना बवाल मचेगा सा? यहाँ पे कुछ और भी दिख रहा है, जो मैंने कहा था कि अब ये आने वाला समय ही बताएगा, लेकिन अगर मुझे ऐसा लगा तो सोचा कि भी प्रिडिक्शन में बता देना चाहिए। संभावनाएं बहुत प्रबल है कि ये जो कुछ भी चल रहा है उसमें अचानक से कुछ ऐसा पब्लिक डोमेन में आ जाए और फिर वहाँ की जो लोकल प्रजा है वो भी विद्रोह में सम्मिलित हो जाए कि ये यार क्या मामू बना रहे थे, पार्डन माई लैंग्वेज, लेकिन ऐसा कुछ भी हो सकता है। और ये फ्रांस से बाहर जाता हुआ तो डेफिनेटली दिख रहा है, फ्रांस की नेबरिंग कंट्रीज में तो डेफिनेटली जाएगा, और बाकी के ऐसे देश जहाँ पे इन देशों वाले इमिग्रेंट्स ज़्यादा है, इन समुदाय के लोग ज़्यादा हैं, वो भी। यूरोप की दो बड़ी सत्ताएँ जहाँ तक मेरा नॉलेज है, आई थिंक यूके में नंबर बहुत बड़ा है, और जिस आई थिंक नाइजीरियन लड़के को मारा था और जिस प्रकार की ये फ्रांस में इमिग्रेंट अलाउ किए थे, इस प्रकार के इमिग्रेंट्स जर्मनी में भी ज़्यादा है, और भी एक दो देश हैं। अब यूरोप के देशों के नाम याद करने में थोड़ी सी ज़्यादा प्रोनाउंसिएशन करने में भी तकलीफ होती है, लेकिन ये बाहर जाता हुआ तो दिख रहा है। तो ये स्प्रेड होगा तो अगले 3 हफ्ते थोड़े से टफ रहने वाले हैं फ्रांस के लिए, तो डेफिनेटली है। फ्रांस के नेबरिंग कंट्रीज में सबसे ज़्यादा खतरा बना हुआ है, कुछ बड़े देश जहाँ पे उस समुदाय के लोग ज़्यादा हैं वहाँ पे खतरा बना हुआ है, और 3-4 हफ्तों में ये चीज़ें अगस्त के मध्य भाग तक चीज़ें कंट्रोल में आ जाएगी, लेकिन ये बहुत बड़ा नुकसान पहुँचा के भी जाएगी। अब दोपहर वाली प्रिडिक्शन भी चेक कर लीजिएगा, क्यों ये अचानक से 2 दिनों से सिर्फ और सिर्फ यूरोप के वीडियोज़ आ रहे हैं। युग परिवर्तन 2019 में हमने ऐसे ही नहीं कहा था, बहुत हंसी उड़ाई थी, पत्ता भी नहीं हिला, पूरी दुनिया थम गई। उसके बाद कोविड के कारण, उसके बाद युद्ध वाली परिस्थितियां देखी, इस बार यूरोप में हम ये देख रहे हैं। फिर भी अगर आप मानने को तैयार नहीं है कि ये युग परिवर्तन का दशक है और अभी भी ये शुरुआत है, 2029 तक आप बहुत कुछ देखने वाले हो, देखते जाइए, समय समय पे आप लोगों तक जानकारी, एस्ट्रोलॉजिकल जानकारी पहुंचाते रहेंगे। रूपेन आर शाह नाम के इस यूट्यूब चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, साथ वाला बेल आइकन दबा दीजिए और उसके बाद 3 ऑप्शंस आएंगे, ऑल के ऊपर क्लिक कर दीजिए ताकि हर नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलती रहे। और हमसे अगर लाइफ के किसी प्रॉब्लम के लिए सॉल्यूशन चाहते हैं, स्वागत है आपका। व्हाट्सअप नंबर थंबनेल में दिया हुआ है, कॉल मत कीजिएगा, कॉल्स हम नहीं ले पाएंगे। अपना नाम, बर्थ डिटेल्स और प्रॉब्लम्स डिटेल्स के साथ व्हाट्सएप नंबर 9714443110 9714443110 वहाँ पे लिख दीजिए, अक्षय जी आपको वहाँ पे मिलेंगे, प्रोसीजर वहाँ पे समझा दिया जाएगा। नए वीडियो के साथ फिर मिलेंगे, जय हिंद।